प्रेस की आजादी के कितने भी कसीदे पढ़े जाएं, लेकिन सच तो यह है कि सरकारें चाहती हैं कि प्रेस उनके कंट्रोल में रहे और इसके लिए वो तमाम नियम कायदे कानून बता देती हैं। हाल ही में एक फैसला किया गया है कि संसद के अंदर जो मकर द्वार है, जहां पर अक्सर पत्रकार नेताओं की बाइट्स लेते थे, सांसदों की बाइट्स लेते थे, वो अब वहां पर वैसा नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनको एक कांच के कमरे में कैद कर दिया गया है। इसको लेकर विपक्ष मुखर है, खास तौर पर राहुल गांधी ने इसका जिक्र संसद के अंदर किया और उसके बाद जब वो संसद से बाहर निकले तो उन्होंने उन पत्रकारों से मुलाकात भी की जो उन कमरों में कैद कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे। प्रेस यानी कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा खंभा तो बता दिया गया, लेकिन लगता है कि सत्ता की ताकत उसे एक खंभे से बांध कर ही रख लेना चाह रही है। तभी तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में सुरक्षा के नाम पर पत्रकारों को एक कांच के कमरे में बंद कर दिया गया। उनकी ताकत को सीमित करके सरकार ने भले ही मीडिया को चुनौती दी है, लेकिन विपक्ष के नेता पत्रकारों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही उन मीडिया कर्मियों से मिलने पहुंचे जिन्हें सरकारी लक्ष्मण रेखा में कैद करने की कोशिश की गई है। नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, आपको कर दिया पिंजरे में। कल आप थोड़ा ज्यादा देर बोलिए। आपको बता दें कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि संसद परिसर में पत्रकारों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उन्हें मकर द्वार के सामने से हटने के लिए कहा गया है। इसी जगह वो सभी नेताओं सांसदों से बात करते थे। पत्रकारों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया समेत देश के कई बड़े पत्रकारों, स्कॉलर्स ने मीडिया पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। दूसरी तरफ संसद में भी इसे लेकर खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए क्या कहा, सुनिए। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। सर बिचारे मीडिया वाले हैं सर। बिचारे नहीं है वे, बिचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बिचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बिचारे नहीं, नॉन बिचारे सर, नॉट बिचारे मीडिया वाले सर। सर नॉट बिचारे। एक मिनट आप, मैं बैठा हूँ ना, वो आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने को। मैं सर नॉट बिचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला पत्रकारों को बेचारे बोलने पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों की आजादी को एक कांच के कमरे में बंद करके सरकार उन्हें बेचारा नहीं तो क्या बनाना चाहती है, इसे लेकर भी जवाब मिलना जरूरी है। संसद का खुद का नियम कहता है कि संसद के अंदर कैमरे अलाउ हैं, लेकिन पहले कोविड के वक्त कैमरे से रिकॉर्डिंग पर रोक लगा दी गई और अब फोन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मानो मीडिया के कैमरों पर आपातकाल लागू हो गया है। वैसे ही भारतीय मीडिया का हाल ऐसा है कि 176 देशों की तुलना में प्रेस फ्रीडम के मामले में हम 159वें नंबर पर आते हैं। आए दिन पत्रकारों पर हमले और धमकियां मिलने की खबरें आती हैं। इस बीच मीडिया के कैमरों पर थोपा गया नया आपातकाल हमें कहां लेकर जाएगा, ये भगवान ही जाने। विपक्ष पूरा मुखर है, जो मीडिया के संस्थान है वो भी मुखर है और हम भी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने फैसला लिया है जिसका विरोध लगातार हो रहा है और उसका असर भी अब दिखने लगा है। तो ये नई तस्वीर सामने आई है जहां पर स्पीकर ओम बिड़ला को आप पत्रकारों से मिलते हुए देख सकते हैं, उन्होंने मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में असर तो हो रहा है, जो विरोध किया जा रहा है उसका असर तो हो रहा है, लेकिन बात निकली है तो कहां तक जाएगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए